यूं तो बिहार में कई राजनीतिक दल हैं, कई नेता हैं, लेकिन भीड़ बटोरने की क्षमता, भीड़ जुटाने की क्षमता बिहार के इन तीन नेताओं में है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसको राजनीति के मामले में बड़ा ही उन्नत प्रदेश माना जाता है। बिहार के बारे में कहा जाता है, बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश को रास्ता दिखाता है। बिहार में नेताओं की कमी नहीं है, वर्तमान में भी, इतिहास में भी और भविष्य में भी। बिहार के कई नेता इस देश में अपनी छाप छोड़ने में बेहद समर्थ साबित हुए हैं, कामयाब साबित हुए हैं। बिहार में भी आज की तारीख में कई राजनीतिक दल हैं, कई नेता हैं, और देश भर की राजनीति को अगर समझें तो बिहार एक बड़े राज्यों में, बिहार एक ऐसा राज्य है कि यहाँ जितने दल और जितने नेता हैं शायद ही देश के दूसरे राज्य में उतने दल दिखाई पड़े। देश बिहार में नेता बहुत सारे हैं, आप नाम ले सकते हैं। बिहार के नेताओं में तेजस्वी यादव बिहार के उपमुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के ही नेता हैं बिहार में सुशील कुमार मोदी। बिहार में बीजेपी ने कई उपमुख्यमंत्री दिए हैं, सुशील मोदी का हमने नाम ले लिया, रेणु देवी है, तारकिशोर प्रसाद है, तमाम नेता हैं, मुकेश सहनी हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, नेताओं की बड़ी तादाद है बिहार में। कन्हैया कुमार हैं जो बिहार की राजनीति से निकलकर देश भर में अपना डंका बजा रहे हैं और बजवा रहे हैं। अब ऐसे में ये कौन सारे नेता हैं, हम उन नेताओं की बात कर लें, वो नेता जो बिहार की राजनीति में बहुत मजबूती से स्थापित हैं और भीड़ जुटाने की क्षमता में एक दूसरे पर भारी दिखाई पड़ते हैं। आज हम उन नेताओं की चर्चा करेंगे, उन नेताओं का जिक्र करेंगे। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, भाजपा बिहार में एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में महागठबंधन से लड़ाई लड़ रही है, वो महागठबंधन को चुनौती दे रही है, और बीजेपी बिहार की सत्ता में महागठबंधन के बाद सत्ता की भागीदार है। लेकिन क्या बिहार बीजेपी में कोई ऐसा नेता है जो भीड़ बटोर सकता है अपने नाम पर, अपनी हैसियत है उनकी? बिल्कुल नहीं। बिहार में बीजेपी को जब भी भीड़ बटोरनी होती है तो उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लेना पड़ता है। नरेंद्र मोदी आते हैं जो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में किसी को कोई संदेह नहीं है, देश के हर हिस्से में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग हैं और बीजेपी से इतर उनके चाहने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी के आश्रय ही बिहार में बीजेपी कभी भीड़ जुटा पाती है। तो वो कौन कौन से नेता, हम आपको बता दें, एक दौर था लालू प्रसाद यादव का, लालू प्रसाद यादव भी बिहार के बड़े मास लीडर माने जाते हैं। लालू यादव की आहट होती थी कि लालू यादव आने वाले हैं और भीड़ जुट जाती थी। और आज की तारीख में अगर बिहार के भीड़ बटोरने वाले नेताओं में जो सबसे पहला नाम है वो नाम है तेजस्वी यादव का। जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे, श्रीमती राबड़ी देवी के बेटे। यूं तो तेजस्वी यादव को राजनीतिक विरासत में मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला है। तेजस्वी यादव ने अपने वोट बैंक में बढ़ोतरी की है, तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया है, और तेजस्वी यादव आरजेडी के वोटर्स के अलावा जो दूसरा बिहार का वंचित तबका है उसमें तेजस्वी बहुत लोकप्रिय हैं। चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव आने वाले हैं, भीड़ जुट जाती है, मैदान भर जाता है। अब दूसरा नाम हम बताते हैं आपको, बिहार की राजनीति में भीड़ बटोरने वाले नेताओं में, भीड़ जुटाने वाले नेताओं में। आपको बता दें कि नेताओं को भीड़ बहुत पसंद होती है और भीड़ को भी अपना मनपसंद नेता खूब पसंद होता है। दूसरे नेता हैं तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान। चिराग पासवान ने भी खुद को साबित किया है, तेजस्वी यादव की तरह ही उनको भी राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन चिराग पासवान ने भी अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की तरह बिहार की राजनीति में खूब लोकप्रियता बटोरी है। चिराग पासवान की सभाओं में भी भीड़ उमड़ती है, चिराग पासवान को भी देखने के लिए लोगों का अच्छा खासा सैलाब उमड़ पड़ता है, और चिराग पासवान लोकप्रिय भी हैं काफ़ी, खास करके अपने समाज में तो है ही, दूसरे समुदाय में भी, मतलब बिहार में गैर दलित तबका भी जो है वो चिराग पासवान को पसंद करता है। और तीसरे नेता की चर्चा कर लें, तीसरा नेता है बिहार का कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, हालांकि कन्हैया कुमार को राजनीति विरासत में नहीं मिली है, कन्हैया कुमार संघर्ष के दम पर नेता बने हैं,
देश के जाने माने विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, वहीं से वो चर्चा में आए, आज की तारीख में कांग्रेस में हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। कन्हैया कुमार को भी सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, हालांकि कन्हैया कुमार को सुनने के लिए सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी भीड़ उमड़ती है। कन्हैया कुमार को लोग पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, उनके समर्थक भी हैं, उनके विरोधी भी हैं, राजनीति में समर्थक और विरोधी होते ही हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को खारिज कोई नहीं करता। कन्हैया कुमार के जो बोलने का अंदाज है वो सबको पसंद आता है, प्रभावशाली है। कन्हैया कुमार प्रभावशाली वक्ता हैं, पीएचडी हैं, पढ़े लिखे हैं, और इसकी वजह से देश के तमाम मुद्दों पर, देश विदेश के तमाम मुद्दों पर सामने वालों का मुंह वो बंद करा देते हैं, बड़े बड़े पत्रकारों को चुप करा देते हैं। कन्हैया कुमार को भी देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में जो बिहार के नेताओं की बड़ी फहरिस्त है, बड़ी कतार है, उनमें तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया कुमार, ये तीन ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर भीड़ बटोरने में, भीड़ जुटाने में माहिर है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।